अलमेकम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉर्नाट इंजन इसमें हमारे पास जो चीज़ें डिस्कस करने के लिए हैं वो हमारे पास ये है कि कार्नाट इंजन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कार्नाड ने जो थ्योरम दिया था हम उसको देखेंगे उसके साथ साथ कार्नाट साइकिल और कार्नाइड इंजन का जो ग्राफ और उसके प्रोसेस होंगे एंड पे हम ये देखेंगे कि कार्नाट इंजन की एफिशेंसी कितनी है कारनाट इंजन को देखने से पहले हम थोड़ा सा हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे कि हीट इंजन बेसिकली होता क्या है हीट इंजन हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है कि ऐसा प्रोसेस जिसको हम हीट दें और उस हीट को वो हम वर्क में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारे पास हीट इंजन होगा या हम कह लें कि ऐसा सेटअप या ऐसा सिस्टम जो कि हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे और उस मकैनिकल एनर्जी को हम कोई भी मकैनिकल वर्क में इस्तेमाल कर लें तो वो हमारे पास हीट इंजन होगा ये हमारे पास एक सादा सा हीट इंजन है जिसमें हमने फ्लूड लिया हुआ है यहां से हम इसको कोई भी हीट देंगे इस हीट से ये जो वाला फ्लूड है ये एक्सपैंड करेगा और ये हमारे पास पिस्टन होगा जो ही ये फ्लूड एक्सपेंड करेगा ये इस पिस्टन को पुश करेगा और ये इस डिस्क को घुमाएगा जिससे हमारा कोई भी मैकेनिकल वर्क होगा ये हमारे पास सिस्टम पर वर्क हो रहा है और हमारे पास जो वर्क होगा वो हमारे पास पॉजिटिव वर्क होगा अब ये पिस्टन आगे को पुश हुआ था गैस एक्सपैंड होने की वजह से अब अनर्शिया की वजह से ये वाला जो पिस्टन है ये कुछ वापस आएगा इसके वापस आने से ये जो वाला फ्लूड है ये हीट को रिलीज करेगा जिसकी वजह से हमारा जो वर्क होगा वो नेगेटिव हो जाएगा मींस के हमने जो शुरू में इसको हीट दी हीट से ये गैस एक्सपैंड हुई गैस के एक्सपैंड होने से ये पिस्टन आगे को पुश हुआ और इसने इस डिस्क को घुमाया लेकिन इनर्शिया की वजह से ये कुछ वापस भी आएगा जिसकी वजह से हमारा जो वर्क हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा और कुछ हीट हमारे पास आएगी कि जब भी हमारे पास वर्क पॉजिटिव होगा हीट ऑब्जॉर्ब होगी और जब हमारे पास वर्क नेगेटिव होगा हीट रिलीज होगी ये किसी भी हीट इंजन का बेसिक प्रिंसिपल होता है हम अगर सेकेंड ऑफ थर्मोडायनिक्स को देखें तो सेकेंड लॉ ऑफ डायनामिक्स हमें यह कहता है कि जितनी भी हीट हम किसी भी सिस्टम को देते हैं वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है उसका कुछ हिस्सा फ्रिक्शन की वजह से या नेगेटिव वर्क की वजह से लॉस हो जाता है हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है यह हमारे पास हीट इंजन का प्रोसेस है यहां हम देखें कि एक हमारे पास हॉट रिजर है जिसका टेम्परेचर टी एच है ये हमारे पास हाई टेपरेचर होगा अब सेकंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के मुताबिक हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंजन होगा जो कि इधर से आने वाली हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा सेकेंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के मुताबिक जितनी भी हीट हॉट हाँ। रिजर्वायर से इस इंजन में आएगी वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी बल्कि उसका कुछ हिस्सा सिंक की तरफ जाएगा मीन्स के जितना भी हमारे पास वर्क होगा वो सारे का सार, जो जितनी भी हीट होगी वो सारे की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी अगर वो सारे की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो हंड्रेड परसेंट नहीं होगी अब हम अगर इसको देखें तो Q1 वो हीट है जो हॉट इजरवायर से आ रही है उसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ हिस्सा उसका सिंक की तरफ जा रहा है मीन्स के हमारे पास टोटल जो हीट होगी वो वर्क और क्यू टू या सिंक की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी अगर हम इसको यूं कि हमने अगर वर्क फाइंड करना हो तो हॉट हीट को सिंक की तरफ जाने वाली हीट से माइनस कर दें तो हमारे पास फर्क आ जाएगा अब हम आते हैं कार्नाट इंजन की तरफ कार्नाट इंजन एक फ्रेंच फिजिस्ट और मिलिट्री इंजीनियर था साधी कार्नाड जिसने एक सेटअप दिया या एक इंजन बना के दिया जो कि टोटली इमेजिनरी और रिवर्सिबल था उसने ये कहा कि अगर हम हीट इंजन को रिवर्सिबल प्रोसेस में चलाएं तो हमारे पास जो एफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम हो सकती है उसने एक हमें थ्योरम दिया थ्योरम में उसने ये कहा कि एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी को हम मैक्सिमम कर सकते हैं जो दो सेम टेम्परेचर के दरम्यान वर्क करे मतलब कि हम ऐसा इंजन बनाएं जो दो सेम टेम्परेचर के दरमियान वर्क करे मीन्स के जितने हम इसको हीट दें वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए तो हमारा जो एफिशिएंसी होगी उस इंजन की वो मैक्सिमम होगी इसके लिए उसने एक टोटल हाइपोथेटिकल सेटअप दिया उसने कहा कि हम एक सिलेंडर लेते हैं जिसमें हम आइडियल गैस लेंगे इसका जो पिस्टन लेंगे वो टोटल फ्रिक्शन लेस होगा इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगी और इस सिलेंडर की जो वाल्स होंगी वो भी इंसुलेटिंग होगी एक हम इंसुलेट इंसुलेटिंग स्टैंड लेंगे जो कि परफेक्टली इंसुलेटिंग होगा इसमें ना तो कोई हीट पास होगी ना ही दो टेम्परेचर लिए एक को सोर्स कहा एक को सिंक कहा इसका टेम्परेचर हमारे पास टी एच या हॉट रिजर्वायर हम इसे कहेंगे और ये हमारे पास होगा कोल्ड रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर टी मीन्स के हमारे पास एक टोटल इमेजनरी सेटअप हम ले रहे हैं जिसमें हम एक सिलेंडर लेंगे जिसमें हम आइडियल गैस डालेंगे एक इंसुलेटिंग स्टैंड लेंगे एक सोर्स लेंगे और एक सिंक लेंगे सिलेंडर का जो पिस्टन होगा वो फ्रिक्शन लेस होगा इस पर हम इनफाइनाइटली स्मॉल बहुत ही छोटे छोटे वेट रखेंगे इसमें हम जो गैस ले रहे हैं वो टोटल आइडियल होगी और इसकी जो वॉल्स होंगी वो परफेक्टली इंसुलेटिंग होगी और इसका जो हम बॉटम होगा इस सिलेंडर का ये टोटली totally और परफेक्टली कंडक्टिंग होगा एक हॉट है जो कि परफेक्टली कंडक्टिंग है और इसमें जो हीट है वो इनफाइनाइट है इसकी जो हीट होगी उसमें हम थोड़ी सी हीट अगर इसको दे दें या इससे थोड़ी सी हीट ले लें ले, इस हीट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसी तरह कोल्ड रिजर्वायर हम लेंगे इसकी भी जो हीट होगी वो भी इनफाइनाइट ही होगी और हमारा जो स्टैंड होगा ये परफेक्टली इंसुलेटिंग होगा अब इसका ग्राफ देखने से पहले हम दो प्रोसेस को रिमाइंड करें तो हमारे पास दो किस्म के प्रोसेस होते हैं एक को हम आइडियाबैटिक कहते हैं और एक को हम आइसोथर्मल कहते हैं आइसोथर्मलिकोसे प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें ना तो हीट सिस्टम में एंटर होती है और ना ही हीट सिस्टम से लीव करती है सिस्टम जो भी वर्क करता है वो अपनी इंटरनल एनर्जी की बुनियाद पर करता है तो ऐसा प्रोसेस हमारे पास आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस को देखें तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का जो टोटल टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है हम उससे हीट लें या उसको हीट दें उसके जो टोटल टेम्परेचर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो ऐसा प्रोसेस हमारे पास आइसो थर्मल प्रोसेस होता है अब हम कारनाट साइकिल को देखें तो कारनाट साइकिल जो चार प्रोसेस में कंप्लीट होगा पहला हमारे पास आइसो एक्सपेंशन होगा दूसरा आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तीसरा हमारे पास होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन और चौथा हमारे पास होगा एडियाबेटिक कंप्रेशन ये हमारे पास टोटल एक रिवर्सिबल इंजन है मींस कि हम जहां से शुरू होंगे एंड भी हमारा वहीं पे होगा तो सादी कारनाट के मुताबिक अगर हम ऐसा इंजन बना लें तो इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो मैक्सिमम होगी ये चार स्टेप में कंप्लीट होगा पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी दूसरे में आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी मीन्स के दो हमारे पास ऐसे प्रोसेस होंगे जिसमें एक्सपेंशन होगी और दो हमारे पास ऐसे होंगे जिसमें कंप्रेशन होगी अगर हम पहले स्टेप को देखें जो कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा पास सिलेंडर है जिसमें हमने आइडियल गैस डाली हुई है उसको हम सोर्स पे रख देंगे सोर्स पे रखने के बाद हम इस पे जो रखे हुए वेट हैं उनको स्लोली रिमूव करना शुरू कर देंगे एक एक करके जब हम इसको इससे वेट्स को हटाएंगे तो ये जो आइडियल गैस है ये एक्सपेंड करेगी जब ये एक्सपैंड कर रही है तो हमने कहा है कि ये वाला जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है मींस के इस सारे सिस्टम की जो टम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए अगर गैस में एक्सपैंड करना है तो उसको कोई ना कोई हीट चाहिए तो वो हीट लेगा वो सोर्स से जितनी हीट उसको एक्सपैंड होने के लिए चाहिए वो सारी की सारी हीट वो सोर्स से लेगा और इसका जो अपना टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहेगा इसीलिए हम इस सारे प्रोसेस को आइसोथर्मल एक्सपेंशन का नाम देंगे दूसरे स्टेप में आए जो हमारे पास आइडियाबाइटिक एक्सपेंशन है अब हम क्या करेंगे कि इसी सिलेंडर को उठाकर हम थर्मल इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देंगे अब हम क्या करेंगे कि इस पे जो वेट है वो तेजी से रखना तेजी से उठाना शुरू कर देंगे अब हम जब इससे वेट उठा रहे हैं तो गैस ने एक्सपैंड होना है और गैस को एक्सपैंड होने के लिए हीट चाहिए पहले हमने उसको सोर्स पे रखा हुआ था और उसको जितनी हीट रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी सोर्स से ले रहा था लेकिन इस प्रोसेस में हमने इसको रखना है स्टैंड पे जो कि थर्मली इंसुलेटेड है मीन्स कि अब इसको एक्सपैंड होने के लिए जितनी भी हीट चाहिए वो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी से लेगा और इस प्रोसेस को हम नाम देंगे आइडियाबैटिक एक्सपेंशन क्योंकि आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमने ये देखा है कि सिस्टम में ना तो हीट एंटर होती है और ना ही लीव होती है सिस्टम जितना भी वर्क करता है वो अपनी इंटरनल एनर्जी पे करता है तो इसमें जो हमारी एक्सटर्नल जितना भी वर्क होगा वो सारी की सारी एक्सटर्नल एनर्जी करेगी अब हमने वेट्स को कब तक हटाना है हमने वेट्स को तब तक हटाना है जब तक इसका जो टेम्परेचर है वो हॉट हॉट रिजर्वायर से कम होकर कोल्ड रिजर्वायर तक ना हो जाए मीन्स कि हमारा जो टेम्परेचर है वो हॉट से कोल्ड रिजर्वायर तक के बराबर ना हो जाए तब तक हमने इसका वेट हटाते रहना है इसमें हमारा जो वर्क हो रहा होगा वो सारे का सारा पॉजिटिव वर्क हो रहा होगा पॉजिटिव वर्क कब होता है कि जब सिस्टम वर्क करता है कि जब सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी पे वर्क करेगा तो उसका जो हो वर्क होगा वो पॉजिटिव काउंट होगा तीसरा स्टेप देखें हम जो हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन है अब हमने इसमें इस आइडियल गैस को कंप्रेस करना है उसको एक्सपेंड नहीं करना अगर हम इसको कंप्रेस करना है तो हम इसको सिंक पे रखेंगे सिलेंडर को उठा के हम सिंक पे रख देंगे और इसके ऊपर वेट रखना शुरू कर देंगे जब हम इस पे वेट रखेंगे तो ये गैस क्या है कंप्रेस होगी जब गैस कंप्रेस हो रही है तो इससे हीट रिलीज होगी लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो कंप्रेशन है वो आइसोथर्मल है मीन्स कि हमारा जो सारे का सारा प्रोसेस है वो आइसोथर्मली कंप्रेशन है जितना हीट इधर से प्रोड्यूस होगी वो सारे की सारी सिंक में जाएगी और सिस्टम की जो अपना जो टेपरेचर है वो कांस्टेंट रहेगा इसीलिए हम इसको नाम देंगे आइसोथर्मली कंप्रेशन इसमें हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा नेगेटिव वर्क डन क्यों है क्योंकि हम सिस्टम से हीट ले रहे हैं जब भी सिस्टम से हीट रिलीज होगी सिस्टम जो है वो रिलीज करेगा हीट को तो हमारा जो वर्क है वो नेगेटिव काउंट होगा चौथे स्टेप जो कि हमारे पास आइडियाबैटिक आइटियाबैटिक कंप्रेशन है आइटियाबैटिक कंप्रेशन में हम देखेंगे कि हम इस पर जो वेट है वो वेरी फास्ट रखना शुरू कर देंगे हम इसको स्टैंड पे रख लेंगे इस सारे के सारे सिलेंडर को जो कि थर्मली इंसुलेटेड है और हम इस पर वेट रखना शुरू कर देंगे जब हम इस पर वेट रखेंगे तो इसकी जो हीट है यहां से प्रोड्यूस होगी पिछले स्टेप में यार जब हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो सारी की सारी सिंक में जा रही थी लेकिन अब हमारे पास जो स्टैंड है वो थर्मली इंसुलेटेड है जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी वो नीचे नहीं जाएगी जिसके नतीजे में इसका जो अपना जो टम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा हमारा जो कंप्रेशन है वो आइडियोमेटिक है ना तो सिस्टम से हीट जाएगी ना ही सिस्टम में हीट आएगी तो इसका जो सारे का सारा वर्क होगा वो नेगेटिव होगा और इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ये थे हमारे चार प्रोसेस जो कि साथी कारनार्ट ने अपने इंजन के लिए सेटअप किए थे अब हम अगर इसका ग्राफ देखें तो ये हमारे पास था आइसोथर्मल कंप्रेशन ये था हमारे पास आइडियाबैटिक एक्सपेंशन आइसोथर्मल कंप्रेशन और आइडियाबैटिक कंप्रेशन आइसोथर्म में क्या था कि इस सारे प्रोसेस में आइसोथर्मल था तो इसमें हीट जितनी स्टार्ट पे थी उतनी ही एंड पे होगी मीन्स कि हमारा जितना टेम्परेचर पॉइंट ए पे था उतना ही टेम्परेचर हमारा पॉइंट बी पे होगा ये वाला पार्ट देखें तो इसमें जो टेम्परेचर है वो हाई से लो हो गया आइडियोबैटिक था आइडोबैटिक में हीट ना तो सिस्टम से जाएगी ना ही सिस्टम में आएगी तो इसके नतीजे में क्या होगा कि सिस्टम का जो टेपरेचर है वो कम हो जाएगा क्योंकि हमने इसको सिंक पे रखा हुआ था जितना टेम्परेचर होगा वो सारे का सारा सिंक में चला जाएगा ये वाला पार्ट देखें तो इसमें हमारा जो टेम्परेचर है वो फिर वही है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था टेम्परेचर एंड पे भी वही होगा तो ये हमारा होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन ये वाला पार्ट हमारा आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है इसमें फिर टेम्परेचर हाई से लो हो रहा है कि जब हम इस पर वेट रखना शुरू कर देंगे तो इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो हाई से लो से हाई हो जाएगा क्योंकि हमारा जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा और जब नेगेटिव वर्क होता है तो सिस्टम में हीट प्रोड्यूस होती है अब हम आ जाते हैं कार्नाट इंजन की एफिशिएंसी पर एफिशिएंसी का हमारे पास फार्मूला होता है कि जितना वर्क डन हुआ और जितनी हमने उसको हीट दी ये हमारे पास आ जाएगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को ईटा से शो करते हैं जो कि बराबर होती है डन जितना सिस्टम ने वर्क डन किया और जितनी हम उसको हीट दी मीन्स के आउटपुट ओवर इनपुट सिस्टम को हम जितना इनपुट देंगे जितना वो उस इनपुट पे आउटपुट देगा वो हमारे पास होगी एफिशिएंसी वर्क डन को क्यू से शो कर लिए हीट को हमने क्यू से शो कर लिया सेकंड लाफ थर्मोडाइनामिक्स के मुताबिक हमारे पास जो वर्क होता है उसको हम लेते हैं क्यू वन माइनस क्यू टू मीन्स के जितनी हीट सोर्स की होगी उसमें से सिंक की हीट को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा इस W की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि इटा इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू ओवर क्यू वन अब हम अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें तो क्यू वन ओवर क्यू वन माइनस क्यू टू ओवर क्यू वन क्यू वन से क्यू वन कैंसिल हो जाएगा हमारे पास यहाँ से आएगा वन माइनस क्यू टू और क्यू वन का फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा अब हम ये देखते हैं कि जितनी हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं उसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ता है मींस कि हीट और जो टेम्परेचर है ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं तो हम इस, इस फार्मूले में हीट की जगह पर टेम्परेचर ले लेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि वन माइनस टी वन ओवर टी टू ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई कार्नाट इंजन की कार्नाट ने यह कहा था कि जब दो सेम टेम्परेचर पर कोई भी इंजन वर्क करेगा तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी मैक्सिमम होगी एफिशिएंसी किस चीज़ों पर डिपेंड करती है एफिशिएंसी जो कार्नाट इंजन की है वो हंड्रेड परसेंट नहीं है उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि जो टेम्परेचर और ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर पर साथी कारनाट के मुताबिक अगर हम ये दोनों टेम्परेचर सेम कर देते हैं तो हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी इन दोनों का टेम्परेचर सेम करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जितना इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही हमारे पास एफिशिएंसी क्या होगी ज्यादा होगी इस इंजन की हम एफिशिएंसी को 100% परसेंट कर सकते हैं सिर्फ उस सूरत में जब हम कोल्ड रिजर्वा का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो कर दें मींस के इस में जो हॉट कोल्ड रिजरवायर है हम अगर उसका टेम्परेचर जीरो कैलवन कर देंगे तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो मैक्सिमम होगी जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हमारे पास कोई भी ऐसा कोल्ड रिजर्वायर नहीं है जिसका टेम्परेचर जीरो कैलवन हो सो कारनाट इंजन की भी एफिशिएंसी हंड्रेड परसेंट नहीं है ये टोटल एक थ्योरेटिकल इंजन है इसमें हम कुछ फैक्ट्स को देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि हीट इंजन उस सूरत में परफेक्टिबल, जब रिवर्सिबल हो जो कि पॉसिबल नहीं है एनर्जी लॉसेज और फ्रिक्शन की वजह से मीन्स के जितना हमारे पास हीट हो वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए ये पॉसिबल नहीं है कुछ इन कुछ हीट हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाती है और कुछ हमारी नेगेटिव वर्क में लॉस हो जाती है जिसकी वजह से हमारी जो इंजन की जो एफिशिएंसी है वो हंड्रेड परसेंट नहीं आती है प्रैक्टिकली हम किस जो हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर होता है वो होता है रूम टेम्परेचर पर इसका टेम्परेचर हम मजीद कम नहीं कर सकते एफिशिएंसी का हमारे पास जो फार्मूला आता है वो टी वन ओवर टी टू ओवर टी वन होता है मीन के हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर एफिशिएंसी को हम उस सूरत में बढ़ा सकते हैं कि जब हम हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा कर दें तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आ जाती है वो मैक्सिमम आ जाती है इसी तरह के लेक्चर और ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एजू इनपुट डॉट